भारत में जब से COVID-19 कोरोना वायरस आया है तब से लगभग सभी जगह लॉकडाउन का माहौल बना हुआ है। ऐसे में हमारे कुछ दिलेर भाई ऐसे भी हैं जो मार्केट सिर्फ ये देखने के लिए निकल जाते हैं कि मार्केट में कौन कौन सी दुकानें खुली हैं और कौन कौन सी दुकानें नहीं खुली हैं, यानी कि सब्जी कपड़े और राशन की दुकानें खुली हैं कि नहीं खुली हैं। तो ये सब करके उनको लगता है वो कोई बड़ा काम, महान काम, कोई बहादुरी काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो लॉकडाउन की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। हमारे कुछ महान भाइयों को ये भी लगता है कि अगर वो बेवजह घर से बाहर घूमते पाए जाएंगे तो पुलिस उन्हें डांटेगी, फटकारेगी, उन्हें मुर्गा बनवाएगी, उनसे उठक बैठक करवाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा दो डंडे मारेगी, मार के भगा देगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं तो असल में IPC की कुछ धाराएँ हैं उनका आप उल्लंघन कर रहे होते हैं। ऐसे में आप पर केस भी हो सकता है, आपको जेल भी भेजा जा सकता है, इतना ही नहीं आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आप भी इन्हीं सब धाराओं के बारे में जानना चाहते हैं और इन धाराओं के उल्लंघन पर जो सजा का प्रावधान है ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, आपको आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भारत में तेज़ी से पांव पसारते कोरोना वायरस को काबू करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आप पर IPC सेक्शन 188, 269 और 270 के अंतर्गत आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो चलिए इन सभी धाराओं को जानते और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 188 के बारे में। तो महामारी एक्ट 1897 के सेक्शन 3 के अंतर्गत हमें ये बताया गया है कि लॉकडाउन में अगर कोई व्यक्ति सरकार द्वारा या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा बनाए गए नियम कानून का या दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है जो कि लोक हित में बनाया गया है, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, अगर उन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति पर सेक्शन 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के नियम तोड़ने पर किसी का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उस व्यक्ति को सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों की जानकारी है फिर भी वह उल्लंघन करता है तो उसे सेक्शन 188 का दोषी माना जाएगा और उसे 1 से 6 माह तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब सेक्शन 269 और 270 को साथ साथ समझते हैं, क्योंकि इन दोनों सेक्शन में ऐसा एक्ट होता है, ऐसा कृत्य होता है जिससे कि मानव जीवन के लिए खतरा बढ़ जाता है या फिर किसी भयंकर बीमारी या महामारी का संक्रमण या इन्फेक्शन फैलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इन दोनों सेक्शन में यहाँ पर डिफरेंस ये होता है, जो 269 में एक्ट होता है वो नेग्लिजेंट एक्ट के रूप में होता है, यानी कि गैरकानूनी या लापरवाही से किया गया एक्ट होता है। लेकिन जो 270 में एक्ट होता है वो मैलिग्नेंट एक्ट या डेडली एक्ट या घातक कृत्य के रूप में होता है, जो कि जानबूझकर किया जाता है जिससे कि संक्रमण दर या इन्फेक्शन रेट तेज़ी से बढ़ जाता है। अगर व्यक्ति 269 का दोषी पाया जाता है तो उसे 6 माह की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता है। अगर व्यक्ति 270 का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इन तीनों धाराओं मतलब सेक्शन 188, 269 और 270 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, यानी इन सेक्शन का दोषी पाने पर पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, यानी पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ये तीनों ही धाराएं बेलेबल ऑफेंस हैं तो इसमें आपको गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल सकती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि लॉकडाउन का पालन ना करने पर आप पे क्या कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अगर अभी भी आपको लॉकडाउन से रिलेटेड कोई डाउट हो या आप लॉ से रिलेटेड किसी और विषय पे हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप सीधे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जुड़ें और अपनी बात कहें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं एडवोकेट नीतीश सिंह मिलता हूँ ऐसे ही किसी और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का उल्लंघन तो बिल्कुल भी ना करें। जय हिंद।